So hello my dear students, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. I am here to improve the level of your English. If you are really want to speak in English fluently, then stay with me. तो देखिए कौन सा दिन है, जैसा कि आपको पता लग गया है, लग गया ना बता? हाँ जी, पता लग गया है आपको कि डे नंबर है 32. 32 है भैया, ठीक है, 32वां दिन है. 31 दिन तक की पूरी जर्नी क्या करके आ चुके हैं हम, कंप्लीट करके आ चुके हैं. तो उम्मीद करूंगी फटाफट से आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. वीडियो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये है हमारी क्लास का रिचुअल. तो चलो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली बात तो ये है कि हम कर क्या रहे थे. तो बताओ क्या कर रहे थे हम? कर रहे थे क्वेश्चनिंग. मैंने कल आपको बताया था कि टाइम कैसे देखते हैं. बताया था कि मैं आती हूँ बेटा शाम को 6 बजे स्पोकन के बैच में, तो जो 6 बजे है उसे कैसे बोलेंगे, 6 o'clock. अगर मैं आती हूँ 6:15 बजे यानी कि 6:15, तो उसे कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, 6:15, है ना, 6:15, इस तरह से, ठीक है. अगर मैं आती हूँ 6:30 बजे, भाई देर हो गई मुझे, 6:30 बजे आई, फिर कैसे बोलेंगे, हाफ, क्या बोलेंगे, 6:30, ठीक है. अगर मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई और मैं आती हूँ 7:45 बजे, तो 7:15, क्या बोलेंगे, 7:15. और अगर फिर से 7 बज गए तो 7 o'clock. पता चला, है ना. ये वीडियो मैंने कल के सेशन में डाली हुई है, कल मैं आई थी लाइव. तो देखिए कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो सबसे पहले ये वाला काम करें कि कल वाली वीडियो को देख लें. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं. जैसे हमने आपको बताया ना, मैं आपको क्वेश्चनिंग बता रही थी, है ना. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, भाई तुमने कॉल क्यों किया, क्यों किया तुमने कॉल, पूछते हैं क्वेश्चनिंग, पूछते हैं. आप किसी से कैसे पूछेंगे ये वाला कॉल, कैसे पूछेंगे? तो भाई कलम का कलर चेंज करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, why did you call me, why did you call me, भाई क्यों कॉल किया. अब आंसर देखो, मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, हेलो, हेलो मोहिनी, है ना, हेलो मोहिनी, हेलो निर्मल, हेलो संतोषी, ये बच्चे हैं ना मेरे रोज आते हैं, हेलो निशांत, हेलो दुर्गेश, Why did you call me बेटा, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, या मैं क्या कहूंगी आपसे, इंग्लिश में सुनिए ध्यान से. I had, भाई मुझे क्या था, मुझे एक बहुत जरूरी काम था. I had an urgent piece of work. I had an urgent piece of work. That's why I called you. क्या लिखेंगे? That's why I called you. भाई मुझे क्या था? बहुत जरूरी काम था, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था. ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? और मैम इसको और इम्प्रोवाइज करिए. क्या करिए? और थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करिए. अब देखिए लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं और कलम का कलर जो है चेंज कर लेते हैं. ठीक है? अब मैम मैंने आपको कॉल किया था, ठीक है, अब मैं पूछती हूँ भाई क्यों किया था, तो आप क्या कहेंगे? अर्जेंट काम तो था, वो ठीक है, और क्या काम हो सकता है, हाँ भाई कोई काम ही नहीं था, मुझे बस तुम्हारा हाल चाल, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, सिंपल. I just wanted to talk to you because ध्यान से लिखेंगे, because it had a long time since we talked. ठीक है, क्या हो गया? I just wanted to talk to you because it had a long time since we talked. है ना, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बस बात करने के लिए फोन मिलाया था क्योंकि हमें बहुत ज्यादा समय हो गया था बात किए हुए.
भाई जनरली अपने रिश्तेदारों से हम बात करते हैं तो ज्यादा समय हो जाता है बात किए हुए, तो ऐसे बात करते हैं. इज इट ओके? इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड वी कैन मेक अंडरस्टैंड द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, वो लोग जो हमारे सामने हैं हम उन्हें भी समझा सकते हैं. देयर इज नो रैपिड फायर सेशन हियर कि मैं जल्दी जल्दी बोलूं, आप बताइए. बहुत ही तसल्ली के साथ पढ़ रहे हैं. ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टेक दैट. ओके, और जो भी मैं आपको बोलती हूँ ना इंग्लिश में उसे ध्यान से सुना करें, बिकॉज लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्पीकिंग. This is the psychology. When you speak something, the first you have to listen that what is the correct pronunciation of that line or that word. Is it okay? Is it okay or not? चलिए आइए and speak. जब मैं कहती हूँ ना speak after me or repeat after me, तो आप मेरे बाद इसे बोलेंगे. देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ what did you, why did you call me, why did you call me, आप क्या कहेंगे? I had an urgent piece of work, that's why I called you. दोबारा बोलिए, repeat after me. I had an urgent piece of work. फर्क नहीं बोलेंगे, work बोलेंगे. Urgent नहीं बोलेंगे, urgent बोलेंगे. Urgent, urgent नहीं, urgent. ठीक है, I had an urgent piece of work, that's why I called you. That's why I called you. करके बोलिए, I had an urgent piece of work. That's why I called you. ठीक है, दोबारा आइए. अब कोई काम ही नहीं है, है ना? कोई काम ही नहीं है. मेरी मौसी की बेटी ऐसी कॉल लगा लिया उसे, और बहन कैसी हो तुम, आओ बहन चुगली करें, है ना? आओ बहन चुगली कर, तो चुगली के लिए फोन लगा लिया ऐसे ही, है ना? कभी कभी होता है ना, ऐसी फोन लगा लिया हमने, तो तब क्या कहेंगे उससे? वो पूछ रही है भाई तूने मुझे फोन क्यों किया है, तो उससे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे देखिए सामने देखिए, वर्ड फॉरवर्ड पढ़िए. I just wanted to talk to you because it had a long time since we talked. भैया बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए बात करने के लिए ही फोन किया था. ठीक है, नॉर्मल सेंस. इज इट ओके और नॉट? से यस नो जी. ठीक है, है ना? बात समझ में आ रही है? दिस इज योर स्पोकन सेशन एंड हु आर माय परमानेंट टाइप स्टूडेंट, लाइक जिन्होंने पहली से लेकर मेरी 31 तक की वीडियो देखी है. बिलीव मी 100% नाउ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, तो ट्राई किया करें, छोटे छोटे टाइनी सेंटेंसेस को जोड़कर इंग्लिश बोलने की कोशिश किया करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑलवेज ऑलवेज आई हैव सेड समथिंग, व्हाट वाज दैट? स्पीक लाइक टाइनी सेंटेंसेस बट विद द करेक्ट प्रोनंसिएशन. व्हाट वाज दैट? इज प्रोनंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप गलत नहीं बोलिए, आप सही बोलिए, भले ही आप धीरे बोलिए और छोटे सेंटेंसेस का यूज करिए. मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने डायरेक्ट सेंटेंसेस करा रखे हैं, और सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे नए वो भी सिखा रखा है, तो फॉलो दैट. ठीक है, चलिए. इज इट डन? लेट्स रिमूव इट. ओके, जो भी किया है उसको खत्म कर देते हैं फटाफट से. चलो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू यू? आप किसी को क्या लगे? बीमार लग गए. भाई तुम्हें क्या हुआ है? हैपेंड. ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? स्पोकन में ऐसे ही बोला जाता है, व्हाट हैपेंड टू यू. अब व्हाट हैपेंड टू यू, अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है, दिस इज 100% करेक्ट इन स्पोकन. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? क्या हुआ है तुम्हें? नथिंग, आई एम फाइन. व्हाई डिड यू से टू मी, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं हुआ है. ठीक है, कुछ नहीं हुआ है. या अगर कुछ हुआ हो तो क्या कहेंगे? नथिंग, इट जस्ट कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. पहले कुछ नहीं हुआ है भैया मुझे, कुछ नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे? नथिंग, नथिंग. क्यों पूछ, कुछ नहीं हुआ, क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? व्हाई आर यू आस्किंग? ठीक है, Why are you asking? ऐसे
आंसर में भी देखो ऐसे, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कुछ नहीं हुआ भाई, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ पर तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, या अब आपको कुछ हुआ है, कलम का कलर चेंज कर लूं मैं, चलो है ना, अब आपको क्या हो गया है, आपको लग गई है सर्दी, है ना, बहुत तेज सर्दी, स्नीजिंग हो रहा है, कॉफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत सर्दी लग गई है, तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, मुझे बहुत जुकाम है भैया। ध्यान से देखिए, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है मुझे, ठीक है, बहुत जुकाम हो रहा है मुझे, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूं तुम्हें। क्या पता मैं जैसे जुकाम में मैं दिखती हूँ, आंखें सूज जाती हैं मेरी, मुंह और मोटा हो जाता है जितना है, तो क्या पता ऐसा हो गया हो किसी के साथ में, सामने से दिख रहा हो वो, है ना, ऐसे हो सकता है। दिस इट वुड बी द आंसर, ये आंसर होगा, क्या होगा, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, ठीक है, इज इट ओके और नॉट, रिपीट आफ्टर मी, ओके, रिपीट आफ्टर मी, What happened to you? Nothing. Why are you asking? Simple. What happened to you? Actually, I'm suffering from severe cold. मैं हो रहा है, मुझे जुखाम हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या हो रहा है तुम्हें, मुझे बहुत तेज क्या हो रहा है, मुझे बहुत जुखाम हो रहा है, जुकाम होता है, जुखाम होता है, जुकाम होता है ना, जुकाम हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे और इसे बोलने के लिए ट्राई करेंगे, और ये हम कर लिया, वापस आ गया, ठीक है, इज इट ओके और नॉट, आई होप यू आर डूइंग वेल, इसका मतलब क्या था, आई होप यू आर डूइंग वेल, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आई होप, मुझे लगता है, मुझे लगता है या मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, एम आई राइट और नॉट, देखो क्या बोला मैंने, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं ना, और क्या बोलती हूं मैं, क्या बोलती हूं, इट हैज डन, मतलब ये हो गया है, ये हो गया है, इट हैज डन, तो चलिए इसको हटा देते हैं और फिर से आते हैं, फिर से अब देखिए मैं आपको क्या सिखाने वाली, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है ना, बस क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो साथ में करें इसे लाइक, और अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में दबा दें बेल आइकॉन को, ठीक है, जिससे कि मैं कब आ रही हूँ, कितने बजे आ रही हूँ, कैसे आऊंगी, कब, यहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, जितने भी आपके सवाल जवाब है उन सबके मैं आंसर दे सकूं। वैसे आपको पता है मैं आती हूँ 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, है ना, तो ये जो सुबह, दोपहर, शाम की ये जो जर्नी है आपके साथ, मैं चाहती हूँ बढ़िया तरीके से निकलती रहे, आप सीखते रहें। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू टेक ऑल द वीडियोज ऑफ माइन विदाउट एनी पे, व्हाई डोंट यू गेट इट, है ना, क्यों नहीं ले रहे हो फिर उसे, अरे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो जस्ट टेक इट। वो बच्चे जो मेरी वीडियोस को बाद में देखते हैं, लाइव के बाद देखते हैं, उनको भी मैं बता दूं कि वीडियोस देखने के बाद ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड यू, व्हाट वाज दैट इज, पहला है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा प्रैक्टिस, एंड तीसरा फॉलो मी, ठीक है, फॉलो मी कर लिया तो ऊपर के दो पहले ही हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको एक सुंदर चीज बताती हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं, है ना, एक हम कहते हैं उसने मुझे मनी मन में गाली दे दी, बहुत खराब है वो, मनी मन में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, थप्पड़ मार देती मैं, तुम मन मन में क्यों बोल रहे हो, एक वर्ड आता है ना, है ना, ये मन मन में हम कभी टेंसेस में नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ेंगे, स्पोकन क्लास, ठीक है, कैसे, स्पोकन क्लास में पढ़ेंगे, देखिए मन ही मन, लिखिए आप जरा मन ही मन, इतना सुंदर वर्ड है, मैं तो मन मन में गाली दे देती हूँ, आप देते हैं, नहीं नहीं, आई नेवर अब्यूज, गाली देना क्या होता है, अब्यूज, A B U S E,
abuse. Do not use abusing word. है ना, गाली मत दो. Do not use abusing word. ठीक है, या सीधे सीधे don't abuse. Don't abuse, गाली मत दो. ठीक है, अब देखो मनी मन का मतलब होता है inwardly. क्या? Inwardly. इतना सुंदर वर्ड है, पहले सुना है कभी? क्या ये वर्ड सुना है आपने? I don't think आपने ये सुना होगा, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है. पर मैं आपको बताती हूँ इसकी ब्यूटीफुल कहानी. ये वर्ड क्या कहता है, इस वर्ड में एक्शन हो नहीं रहा होता है ना, सिर्फ उम्मीद होती है कि अच्छा ऐसे ऐसे. अपने बारे में भी कि मैंने ये कहा है वो तो पता है, लेकिन सामने वाले ने कहा है या नहीं इसकी उम्मीद. जैसे मुझे लगता है उसे मनी मन में गुस्सा आ रहा था, ऐसा लगता है उसे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, है ना. तो देखो कैसे बनाएंगे, वापस आओ. देखो अगर हिंदी में है, ऐसा लगता है उसे मन ही मन, उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था. क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था, या गुस्सा आ रहा है, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट. मैं तो कुछ भी बना दूंगी. हिंदी की अंग्रेजी करने में किरण मैम है. हेलो, ऐसा लगता है. देखो इट सीम्स, ऐसा लगता क्या होगा? इट सीम्स. अच्छा भैया कैसा लगता है उसे, उसे यानी कि he is getting angry. He is inwardly getting angry. ठीक है, he is, मनी मन भी तो लिखा है, कहाँ भूल गए. He is inwardly getting angry. अच्छा मैम, तो इस तरह से इस्तेमाल होगा ये वर्ड, इस तरह से इस्तेमाल होगा. हाँ बेटा ऐसे इस्तेमाल होगा. सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, है ना, हैव, हैज, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में. हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका इनवर्डली आएगा, आपकी मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है जी, हाँ नहीं ठीक है, कुछ कुछ कहते रहा करें. इसको करेंगे डब्बे में बंद, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी. लर्न थोड़ी करने हैं, लर्न तो नहीं करने ना, सेंटेंस कैसे लर्न करेंगे. जब हमें किसी से इंग्लिश में बात ही करनी है तो रटे हुए सेंटेंस से थोड़ी होगी, किससे होगी, अंडरस्टैंडिंग से. तो अंडरस्टैंडिंग आज कौन सी डेवलप करनी है हमें, कि जब भी हमें एक शब्द मिलता है, कौन सा शब्द है, मन ही मन, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं अंग्रेजी का, इंग्लिश का जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं इनवर्डली. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, इनवर्डली. ठीक है, तो इट सीम्स ही इज इनवर्डली गेटिंग एंग्री. ठीक है, इट सीम्स ही इज गेटिंग एंग्री, ऐसा लगता है उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा के लिए आप इनवर्डली यूज करेंगे. कहाँ यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. Is it okay or not? एक बार मुझे बता दें जी हाँ नहीं ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Just take a screenshot if you want. Is it done? Is it done? चलिए हटा देते हैं. अरे ये क्यों हटा दिया हमने, ठीक हो गया. चलिए ऐसे हटाते हैं, है ना, ऊपर वाला रहते हैं. अब भाई कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई मन मन में ना मुस्कुरा रहा होता है, सामने मैम होती हैं, हमारे बगल वाले ने ऐसी बात कर दी होती है, हम ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, अरे अरे मन मन में हमें स्माइल आ रही होती है हमें, लेकिन हम कर नहीं पाते. मैम खड़ी है, कभी मैम डांट भी रही होती तब भी आ जाती है हंसी, पर हम हंस नहीं पाते हैं. तो मन में ही तो है, मुझे हंसी आ रही थी पर मैं हंसा नहीं, है ना. तो जब इस तरह की कोई बात करता है ना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं टिटलेट. इसका मतलब होता है गुदगुदाना, गुदगुदी करता है ना कोई, हमें टिटलेट कहते हैं उसे. लेकिन मन ही मन में मुस्कुराने के लिए इनवर्डली का यूज होता है. तो देखिए वो मन ही मन हंस रहा था,
है ना, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मैंने देखा था, है ना, मैंने देखा था, मन मन में मुस्कुरा रहा था। तो ये मन मन में मुस्कुराना क्या है, देखिए, राघव मन ही मन क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। रहा है ना, आप शिकायत कर रहे हैं अपनी मम्मी से, मम्मी यू नो वन थिंग व्हाट हैज हैपेंड विद मी टुडे, मम्मी यू नो वन थिंग, मम्मी आप जानती हैं व्हाट हैज हैपेंड विद मी टुडे, आज मेरे साथ क्या हुआ है। राघव हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, राघव जो मेरा अच्छा दोस्त है, व्हेन माय क्लास टीचर क्या कर रही थी, वॉज बीटिंग मी, जब मेरी क्लास टीचर मुझे पीट रही थी तो वो क्या कर रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लाइन बन गई, लाइन बनी, सेंटेंस बना, पूरा स्टोरी क्रिएट हो रही है, लिख के भी दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। इसका इंग्लिश लिखिए जल्दी, राघव राघव वॉज इनवर्डली, राघव वॉज इनवर्डली क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइलिंग, सिंपल। राघव वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, ठीक है मैम, यूज कैसे हुआ, फिर गायब हो गया मैम, यूज कैसे हुआ, वही वाला यूज है, वही वाला तो है जो अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, ठीक है, कौन सा वाला था, मम्मी यू नो वन थिंग What has happened with me today? When my class teacher was beating me, when my class teacher was beating me, Raghav actually Raghav was inwardly smiling. वास्तव में ना क्या हो रहा था, राघव जो है वो मन मन में हंस रहा था, जबकि वो कैसा है, मेरा दोस्त है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मनी मन में कैसे होता है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। और ऐसा दो क्वेश्चन, दो जो ऐसे वर्ड हैं या ऐसे सेंटेंस जो हैं इस वर्ड से रिलेटेड, वो मुझे फटाफट से आप बना के देंगे, है ना। देखो वो मनी मन में गाली देता है ना, मुझे किसी ने बताया है, समवन ट्रांसफर्ड मी दिस, क्या किसी ने क्या कहा है आपसे, Someone said me like this. What has that? बेटा ऐसा है, वो ना मन मन में गाली देता है, कौन, कोई होगा तो वह मन मन में गाली देता है का क्या होगा, देखो हिंदी नहीं लिखूंगी, he inwardly, अच्छा वो गाली देता है का क्या होगा, he abuses, और मन मन में देता है, he inwardly abuses, ठीक है, he inwardly abuses, ठीक है, स्पेलिंग ढंग से लिखिए, a b u s e, ठीक है, he is inwardly abused, is it okay, ठीक है, बात समझ में आ रही है, always try to speak in English with the tiny sentences, remember it and memorize some kind of vocabulary is also very important, but you are able at this moment that you can 100% grasp the small vocabulary, to jo chote chote word hai na unhi se banaiye, aapke samne char cheeze rakhi hui hain unhe bataiye, jaise mere samne dekhiye chote chote english bolte hain, mere paas pen hai, I have a pen, hai na, main mic ka istemal kar rahi hu, I'm using the mic, hai na, ye mere chashme hain, these are my spectacles, मैं पढ़ा रही हूँ, I'm teaching, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंपल ही तो है, जस्ट यूज इट इन योर कॉलोक्वाइज, मतलब अपनी बातचीत में अंग्रेजी को शामिल करें, ठीक है। और जितने भी बच्चे मेरे एक से लेके 31 तक की वीडियो देख चुके हैं, उनको पता है कि स्पोकन की क्लास 100% हेल्प करती है, तो देखिए कितना ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है ना, लगा ब्यूटिफुल, इट वुड बी येस नो जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं, इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन, वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट जस्ट टेक इट,
Okay. Is it done? चलिए, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। हटा देते हैं इसे। अब मैं आपको हिंदी में एक पूरा पैराग्राफ देती हूँ, एंड इट वुड बी योर होमवर्क। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी है, आप क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। हो सकता है गलत हो भाई, हो सकता है ना। आप क्या करेंगे, उसे मेरे कमेंट सेशन में भेजेंगे, मैं चेक करूंगी, अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको अगले दिन 100% बता दूंगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं सबका मिक्स एंड मैच होगा, ठीक है। मैं आगरा जा रही हूँ, मैं आगरा जा रही हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मैं 15 सालों से आगरा में रह रही हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बचपन में मेरा क्या नहीं था, कोई दोस्त, कोई दोस्त, ठीक है, बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसे प्रॉपर अच्छी तरीके से इंग्लिश में बना पाएंगे और मुझे भेजेंगे। इफ यू आर एबल टू मेक ट्रांसलेशन लाइक दिस, इट मींस यू आर इन अ गुड पे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और अगर आपको नहीं आ रही है ना ये बनाना, तब भी कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को देखना है, एक एक करके तरीके से मेरी वीडियो देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और ट्राई करेंगे बोलने की। द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समहाउ। व्हेनेवर आई स्पीक समथिंग, ऑलवेज ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड, ओके। हमेशा आप कोशिश करेंगे समझाने की। किसी के भी सामने अगर बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ, तब भी आप क्या करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर रियली वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लैंग्वेज है, बहुत आसानी से आपको आएगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ रहिए। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सो डोंट वरी, ओके। इफ यू हैव एनी काइंड प्रॉब्लम, यू कैन 100% कॉमेंट मी, आई ऑलवेज ट्राई टू रिजोल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, एंड कीप लर्निंग।